जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास चेक करने का सबसे सरल तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से ही चेक करें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ऐप पर जाएं और क्रोम को खोलें। और फिर साइड iay.nic.in में सर्च करें। और इस तरह से खुल के आएगा, तो फिर देखिए नीचे मेन मेनू के साइड में बॉक्स बना हुआ जिसमें तीन लकीर है, इसको टच करना है। फिर दो नंबर में आए, देखिए यहाँ आवाज़ सॉफ्ट है, आवाज़ सॉफ्ट को भी टच करें। और फिर रिपोर्ट को टच करें। और इसको खुलने दें। ये इस तरह से खुल के आएगा। इसमें नीचे जाना है, ई सेशन रिपोर्ट, इसमें चार नंबर में आना है। देखिए इसमें लिखा हुआ कैटेगरी वाज सेशन डाटा वेरिफिकेशन समरी, इसको टच करना है। इसको इसी तरह फिर खुल के आएगा, तो आप इसमें अपना स्टेट को सेलेक्ट करें। इसमें ऑल स्टेट दिया हुआ है, तो आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करें। तो मैं झारखंड से हूँ तो मैं अपने झारखंड को सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जिस स्टेट से हैं आप उसको सेलेक्ट करें। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें, मेरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, हम धनबाद को सेलेक्ट करें, लेकिन आप जहाँ के हैं वहाँ का सेलेक्ट करें। और फिर इसके बाद आप अपना पंचायत को सेलेक्ट करें, ब्लॉक को सेलेक्ट करें। तो मैं बागमारा से हूँ, आप अपना ब्लॉक को सेलेक्ट करें, तो मैं बागमारा को सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप अपना पंचायत को सेलेक्ट करें, मैं दलोडी से हूँ, मैं दलोडी को सेलेक्ट करता हूं, लेकिन आप जिस पंचायत के हैं उनको सेलेक्ट करें। फिर इस तरह से आएगा, आपको यहां जोड़ने के लिए दिया है 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 मतलब 43, तो यहां 43 देना है, 43। फिर आपको सबमिट करना है, इस तरह से खुल के आएगा आपका लिस्ट। आप इसको चाहें तो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या तो डायरेक्टली देख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहां से नीचे जाके देख सकते हैं, ये सारा दलोडी पंचायत का ही नाम आया है, तो उसमें आपका मोबाइल में आपका पंचायत का ही नाम आया है जिसका जिसका नाम चढ़ा है। आप नीचे जाके अपना नाम को देख सकते।